चलिए फिर क्लास 10। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ रेट्स। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? एनालिसिस ऑफ रेट्स। अब एनालिसिस ऑफ रेट को आपको पता ही है क्या क्या रेट्स होते हैं। ठीक है, आपके लेबर रेट्स होते हैं। ठीक है, लेबर के रेट्स होते हैं, कितना लेबर लगता है वो डिपेंड करता है उसके आउटटर्न पे। ठीक है, बस रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि एक हफ्ता हो गया है पढ़ के हमें। ठीक है, उसके आउटटर्न पे, आउटटर्न कुछ नहीं है उसका, क्या है वो? एफिशिएंसी। ठीक है, क्या है उसका? वो एफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद किस पे डिपेंड करता है? लेबर रेट्स पे, कि कितना पैसा मांगते हैं वो हर दिन। ठीक है, उसके किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल रेट्स पे। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ रेट्स में हमारे पास मोटा मोटी दो स्टेप्स है। ठीक है, सबसे पहला है हमें निकालना है लेबर कितना लगेगा, सॉरी लेबर नहीं, सबसे पहले हम निकालेंगे कि मटेरियल कितना लगेगा, मटेरियल। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे हम मटेरियल कितना लगेगा। ठीक है, तो ब्रिक वर्क, आरसीसी, इन सब का मटेरियल निकालना मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कुछ कुछ बाकी हमारे व्हाइट वॉशिंग बाकी है, फ्लोरिंग बाकी है। ठीक है, और ब्रिक वर्क बाकी है, इन सब का मटेरियल कैसे निकालते हैं, कितने ब्रिक्स चाहिए, कितना मोर्टार चाहिए, मोर्टार में भी कितना आपको सीमेंट चाहिए, कितना आपको फाइन एग्रीगेट चाहिए, मतलब सैंड चाहिए, वो सब हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल आ गई तो उसके बाद मटेरियल कॉस्ट आएगी। ठीक है, ये बताओ किसी को पता है कॉन्क्रीट, आरसीसी और मोर्टार के बीच में डिफरेंस क्या होता है? इसको पता है आरसीसी और मोर्टार के बीच में डिफरेंस क्या होता है? आरसीसी में क्या क्या होता है बताओ? आरसीसी में होता है आपका सीमेंट, सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट। ठीक है, फाइन एग्रीगेट मतलब क्या? सैंड। ठीक है, प्लस आपका कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट क्या होता है आपका? स्टोन। ठीक है, स्टोन समझ लो अभी के लिए। ठीक है, अब कोई मुझे कुछ बता रहा है? रीइंफोर्समेंट, ठीक है, आरसीसी में रीइंफोर्समेंट भी होता है, वो तो ठीक है कृष्णानंद, वो तो होता ही है। बाकी मटेरियल वाइज आपका मोर्टार में, मटेरियल वाइज आपका मोर्टार में कोर्स एग्रीगेट नहीं होता। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट मोर्टार में नहीं होता, मोर्टार में स्टोन नहीं होते। ठीक है, ठीक है ना, सिर्फ सैंड और सीमेंट से आपका, सैंड और सीमेंट या लाइम और सैंड। ठीक है, ठीक है, इससे आपका सीधा मोर्टार बन जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, जो छोटा डिफरेंस हमें बताना था आपको। ठीक है, हम एनालिसिस रेट में वापस आते हैं। चलो, तो एनालिसिस रेट फॉर ब्रिक वर्क। ठीक है, तो ब्रिक वर्क मोटा मोटी हमें दो चीजें पता लगानी है, एक तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कि भाई कितने ब्रिक्स हमें लगेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, और दूसरा क्वांटिटी ऑफ, क्वांटिटी ऑफ मोर्टार। ठीक है, ब्रिक वर्क में दो ही चीजें होती है। ठीक है, अब बोलोगे सर पानी भी यूज होता है, तो पानी का कॉस्ट हम नहीं निकालते इसमें। ठीक है, पानी का कॉस्ट हम बस ऐड कर देते हैं कुछ परसेंटेज, कि इतना परसेंटेज ऑफ कॉस्ट और लगेगा पानी के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स और क्वांटिटी ऑफ मोर्टार। ठीक है, अब मुझे ये बताओ क्या किसी को स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक पता है क्या होता है? स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक जो हम यूज करते हैं साइट पे, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक विदाउट मोर्टार, विदाउट मोर्टार। ठीक है, मोर्टार के बिना, तो किसी को पता है? ये होता है आपका 19 सेंटीमीटर क्रॉस 9 सेंटीमीटर क्रॉस 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका ब्रिक कैसा होता है? आपका ब्रिक कैसा होता है? क्यूबॉइड की तरह होता है। ठीक है, आपका ब्रिक एक क्यूबॉइड की तरह होता है। ठीक है, तो उसमें लॉन्ग लेंथ जो है ये आपका 19 है। ठीक है, ये आपका 9 है। ठीक है, और ये भी आपका 9 है। ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि जो मोर्टार है वो इसके चारों तरफ आता है। ठीक है, इसके चारों तरफ आपका मोर्टार आता है, कितने का? 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इसलिए मोर्टार के साथ इसका साइज हो जाता है 20 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये टोटल थिकनेस जो है ये 1 सेंटीमीटर की है, मतलब यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये हमारे पास ये है। ठीक है, तो अब ये बताओ, अब हम 10 क्यूबिक मीटर का ब्रिक वर्क का हम क्वांटिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, 10 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क का क्वांटिटी, तो 10 क्यूबिक मीटर क्या है हमारे? ब्रिक वर्क का वॉल्यूम। तो टोटल ब्रिक, तो टोटल दीवार बनेगी हमारी, तो टोटल दीवार हमारी बनेगी ब्रिक की। ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है? वो 10 क्यूबिक मीटर है। ठीक है, तो हमने पहले निकाल लिया नंबर ऑफ ब्रिक्स। अब देखो साइज कौन सा यूज कर रहे हैं, साइज हम यूज कर रहे हैं 20 क्रॉस 10 क्रॉस 10। इसका मतलब क्या है? हम मोर्टार, हम ये भी मान रहे हैं कि ब्रिक के चारों तरफ मोर्टार भी लगी हुई है, तो ये क्या है? 500 नंबर्स पर 10
क्यूबिक मीटर, इसका मतलब क्या है, 5,000 ब्रिक्स प्लस मोर्टार उनके इर्द गिर्द, ठीक है। तो एक यूनिट कितनी है, एक यूनिट है हमारी एक ब्रिक और चारों तरफ मोर्टार, तो ऐसे 5,000 यूनिट्स लगेंगे हमारे 10 क्यूबिक मीटर के ब्रिक वर्क के लिए, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। विद स्टैंडर्ड ब्रिक 20x10x10, इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल साइज, ठीक है। ब्रिक का आपका दो साइज होता है, ठीक है, एक होता है नॉमिनल साइज और एक होता है स्टैंडर्ड साइज, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज होता है ब्रिक का विदाउट मोर्टार, विदाउट मोर्टार तो क्या होगा उसका साइज 19x9x9, ठीक है, और नॉमिनल साइज होगा विद मोर्टार, क्या होगा विद मोर्टार, ठीक है। तो विद मोर्टार क्या होगा, 20x10x10। तो हमने जो यहाँ पे 5,000 निकाला है, ये 5,000 है नॉमिनल ब्रिक्स का, नॉमिनल ब्रिक्स मतलब ब्रिक्स विद मोर्टार, इतने यूनिट हमारे लगेंगे ब्रिक्स विद मोर्टार के। तो ये तो हमारा नंबर आया मोर्टार के साथ, तो अगर हमें मोर्टार का वॉल्यूम भी चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे हम क्या कुछ नहीं करेंगे, हम 5,000 ब्रिक्स तो यूज कर ही रहे हैं, तो 5,000, ठीक है, इंटू 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09, ये है ब्रिक्स का वॉल्यूम विदाउट मोर्टार, ठीक है। इसको किससे माइनस कर देंगे हम, 10 m³ से, किससे माइनस कर देंगे, 10 m³ से, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा मोर्टार का वॉल्यूम आ जाएगा, है कि नहीं। अब आप बोलोगे सर ये पहला स्टेप फर्स्ट किया ही क्यों, पहला स्टेप किया ही क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए 5,000, समझ रहे हो, ये वाली वैल्यू कैसे आएगी आपके पास, ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, इस फर्स्ट स्टेप से तो आएगी ये वाली वैल्यू, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही 5,000, सबसे पहले तो हमने क्या किया, 10 को हमने नॉमिनल साइज से डिवाइड कर दिया, ठीक है। नॉमिनल साइज मतलब इसमें ब्रेक प्लस मोर्टार दोनों है, ठीक है। तो ब्रिक प्लस मोर्टार का हमें 5,000 कॉम्पोनेंट चाहिए, 5,000 नंबर चाहिए हमें ब्रिक प्लस मोर्टार का, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हम समझ गए कि 5,000 वैल्यू, 5,000 कॉम्पोनेंट आएंगे, बट मोर्टार का वॉल्यूम कितना आएगा, तो क्या करेंगे हम 5,000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके स्टैंडर्ड साइज से, ठीक है। और किससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, 10 m³ से, क्योंकि 10 m³ का हमारा ब्रिक वर्क है, ठीक है। यहाँ पे 10 m³ स्टैंडर्ड साइज दे रखा है, आप साइट पे जाएंगे क्वेश्चंस करेंगे, उसमें अगर 40 m³ होगा तो 40 m³ डिवाइडेड बाई 0.2 अपॉन 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 से करेंगे, उसके बाद कुछ आएगा यहाँ पे, फिर इसको इंटू स्टैंडर्ड साइज और आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 40 m³ से, ठीक है, ठीक है, इजी है, ठीक है, कोई वो नहीं है, कोई इसमें हार्ड हार्ड नहीं है, ठीक है। फिर मोर्टार रिक्वायर्ड पर 10 m³ ऑफ ब्रिक वर्क, तो क्या होगा, 10 माइनस एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, ऊपर तो हमने ब्रिक्स प्लस मोर्टार का वॉल्यूम निकाला था, ठीक है। तो 10 माइनस 5,000 इंटू 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09 इज इक्वल टू 2.3 m³। तो ये कौन सी वॉल्यूम आई हमारी, ये हमारी वॉल्यूम आई है वेट वॉल्यूम ऑफ मोर्टार, ठीक है, क्योंकि हम मोर्टार को वेट करके तो लगाएंगे, जब वेट करेंगे तभी तो मोर्टार फैलेगा, है ना। तो हम मोर्टार को सीमेंट और सैंड लेंगे, फिर उनको हम वेट करेंगे, उसके बाद मिक्सिंग होगी, है ना। तो ये वेट वॉल्यूम है, तो मैंने बताया था आपको ड्राई वॉल्यूम आपका वेट वॉल्यूम से ज्यादा होता है ना। तो ड्राई वॉल्यूम के हिसाब से हम क्वांटिटी निकालेंगे, तो ड्राई वॉल्यूम के लिए हम इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो अभी ड्राई वॉल्यूम नहीं निकालते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे, देखिए अब ये ब्रिक्स होते हैं, ठीक है, आपके ब्रिक्स ऐसे लगे हैं, बहुत सारे ब्रिक्स लगे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपने मोर्टार लगा दिया, ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ गैप्स रह जाते हैं, ठीक है, तो उन एडिशनल गैप्स को क्योंकि ब्रिक्स का जो साइज होता है ना बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि 20x19x9x9 का ही ब्रिक होगा, ठीक है, ब्रिक के साइज में भी हल्का फुल्का वेरिएशन आता है, तो उस वेरिएशन की वजह से जो एक्स्ट्रा जॉइंट्स जनरेट होते हैं बीच में, ठीक है, उनमें हमें एक्स्ट्रा मोर्टार भरनी पड़ती है उसको, उस जॉइंट्स को वाटरप्रूफ बनाने के लिए, ठीक है, उस जॉइंट्स को फिल करने के लिए, ठीक है। तो ये वो एक्स्ट्रा जॉइंट्स है ब्राउन कलर के, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जॉइंट्स हम मानते हैं कि ये एक्स्ट्रा जॉइंट्स आपका अराउंड 15% ज्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने 2.3 m³ निकाला, फिर 2.3 m³ में हम 1.15 मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि ये वो जॉइंट्स है, ये वो जॉइंट्स है एक्स्ट्रा जॉइंट्स जो हमारे
सत्र में नहीं भरे गए, ठीक है। तो यही वो बता रहा है, ये 15% भी हो सकता है, आपके ऊपर है, 15 से 20% तक हम इसको मानते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 15% ही लेंगे, ठीक है, 15 से 20% तक हम इसको मानते हैं, ठीक है। अभी इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मोर्टार का वॉल्यूम निकालने के भी स्टेप्स है, सबसे पहले हम ब्रिक्स के स्टैंडर्ड वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट किए 10 से, उसके बाद उसमें हमने जॉइंट्स में फिल करने के लिए जो एक्स्ट्रा 15% है वो हम ऐड करेंगे, उसके बाद हम ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। और फ्रॉग फिलिंग, ब्रिक बाइंडिंग एंड वेस्टेज, ठीक है। अब देखो एक और चीज होती है, एक होता है फ्रॉग, आपको पता है फ्रॉग क्या होता है? ऐसे ये ब्रिक है, हम ब्रिक को हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, ये हम ब्रिक को ऊपर से देख रहे हैं, तो एक यहाँ पर ना एक फ्रॉग होता है, फ्रॉग कुछ नहीं है, एक टाइप ऑफ डिप्रेशन होता है छोटा सा, ठीक है, यहाँ पे एक फ्रॉग होता है डिप्रेशन छोटा सा, ठीक है, छोटा सा डिप्रेशन होता है, वो आपका ज्यादा बड़ा नहीं होता है, इसमें आपकी कंपनी का नाम होता है, ठीक है, जिस कंपनी का वो है, ठीक है, कंपनी का नाम होता है, और जो इसके ऊपर जो ब्रिक आने वाला है, इसके ऊपर जो ब्रिक आने वाला है उसके बीच में एक अच्छा बॉन्ड बन जाए, ऊपर वाले ब्रिक का और नीचे वाले ब्रिक के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बन जाए, उसके लिए भी ये फ्रॉग होता है, ठीक है। अब इसको अगर साइड से देखेंगे, इस साइड से अगर आप इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पर एक ब्रिक है, ठीक है, यहाँ पर एक ब्रिक है, नीचे एक ब्रिक है, उसमें हल्का सा डिप्रेशन है, ये फ्रॉग है उसका, ठीक है, हल्का डिप्रेशन है, ठीक है, इतना गैप होता नहीं है, मैं बस आपको मैग्निफाई करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर है मोर्टार, ठीक है, इनके बीच में तो है ही, और थोड़ा सा मोर्टार यहाँ भी जाएगा, ठीक है, यहाँ भी जाएगा मोर्टार इसके फ्रॉग में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं डिप्रेशन को, डिप्रेशन को बोलते हैं फ्रॉग। तो एक टाइप ऑफ क्या बना रहा है, ये बॉन्ड को मजबूत कर रहा है, अगर ये ब्रिक ऐसे और ऐसे मूव करेगा तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगा उस मूवमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये है वो एक्स्ट्रा फ्रॉग में जो हमने मोर्टार फिल किया है, ठीक है। तो इसको फ्रॉग फिलिंग, बेस स्टेज, ठीक है, इन सब के लिए हम 15% एक्स्ट्रा मोर्टार का वॉल्यूम मानते हैं, ठीक है। देखा, समझ में आ गया है, किसी को कोई डाउट है? हाँ, कंपनी मार्क के लिए करते हैं, ठीक है, और मैंने बता दिया एडिशनल स्टेबिलिटी के लिए भी होता है, ठीक है। तो इसके बाद तो ये हम समझ गए 15% हमने क्यों ऐड किया। उसके बाद हम लोग अब वेट मोर्टार के लिए क्या करेंगे, एक मिनट, है ये वाली चीज, ये वाला यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये मैंने गलती से मिसटाइप कर दिया है, ठीक है। इसके बाद ये है, और फिर उसके बाद ये वाला स्टेप आएगा, देयरफॉर वेट वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे 33% और ऐड कर देंगे, तो 2.64 × 1.33, ठीक है, तो ये हमारा सीमेंट मोर्टार का वॉल्यूम आ जाएगा, इसके लिए 10 क्यूबिक मीटर ऑफ, 10 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक पर, ठीक है। तो देयरफॉर ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार रिक्वायर्ड 2.64 × 1.33, 3.5 क्यूबिक मीटर के आसपास का मोर्टार हमारा लगता है किसके लिए, 10 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क के लिए, ठीक है, ठीक है। इन केस ऑफ लाइम मोर्टार द ड्राई वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज 4 क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि लाइम मोर्टार आपका सीमेंट मोर्टार से ज्यादा श्रिंक करता है, ठीक है। आपको वैल्यू याद नहीं रखनी है, तो मैं बता रहा हूं जैसे मैंने बताया था आपको कि वेट वॉल्यूम और ड्राई वॉल्यूम में जाने के लिए हम 1.33 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसके केस में, सीमेंट मोर्टार के केस में, ठीक है, हम सीमेंट मोर्टार ही यूज करते हैं। आप अगर पुराने मॉन्यूमेंट देखेंगे, जैसे आपका ताजमहल वगैरह हो गया, उसमें आपका लाइम मोर्टार यूज किया है, ठीक है, लाइम मोर्टार पुराने जमानों में यूज होता था, लाइम इज नथिंग बट कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या होता है वो, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो पुराने जमाने में लाइम मोर्टार यूज होता था, लाइम मोर्टार आपका सीमेंट मोर्टार के मुकाबले जब वो ड्राई स्टेट से वेट स्टेट में जाता है तो ज्यादा श्रिंक करता है, ठीक है, वो ज्यादा श्रिंक करता है, इसलिए आप देखोगे यहाँ पर लाइम मोर्टार का ड्राई वॉल्यूम इज मोर देन द ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोर्टार, ठीक है। तो अगर आपका लाइम मोर्टार 2.64 क्यूबिक मीटर बन रहा है वेट होकर, तो ऑब्वियसली बात है उसका ड्राई वॉल्यूम 4 क्यूबिक मीटर के आसपास होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है फैक्टर, देखो कितना फैक्टर आ रहा है, ये 4 / 2.64, तो ये 1.51 का फैक्टर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 50% आपका वॉल्यूम में इंक्रीज होता है जब आप वेट से ड्राई जाते हो, किसके केस में, लाइव मोटर के केस में, ठीक है, और सीमेंट मोटर के केस में कितना है, 1.33।
आपको 1.5 याद होगा, आपका आर्स उसमें भी, आपका आरसीसी में भी जब हम वेट से ड्राई जाते थे तो 1.5 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है? तो ये फैक्टर याद करने में कोई आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो लाइम मोर्टार में और आरसीसी में दोनों में ही जब हम वेट से ड्राई स्टेट में जाते हैं तो 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और सीमेंट मोर्टार के केस में जब हम वेट से ड्राई में जाते हैं तो हम 1.33 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखो पीओपी में आपका CaCO3 होता है, ठीक है? पीओपी में आपका जिप्सम होता है, जिप्सम, ठीक है? पीओपी इज डिफरेंट, वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, बस ये आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि लाइम मोर्टार एंड जिप्सम या फिर पीओपी इज नॉट एंटायरली द सेम थिंग, ठीक है? चलो फिर, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आ गया 10 क्यूबिक मीटर के ब्रिक वर्क के लिए हम कैसे 3.5 तक पहुंचे, ठीक है? आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर विद 20 x 10 x 10 सेंटीमीटर ब्रिक विद 1:6 सीमेंट मोर्टार, ठीक है? ये क्वेश्चन है हमारा। ये बताओ ये जो साइज है मैंने अभी बताया था ये कौन सा है, ये नॉमिनल है कि स्टैंडर्ड है, बताओ कौन सा है, नॉमिनल है कि स्टैंडर्ड है, जल्दी बताओ, ये मोर्टार के साथ है कि मोर्टार के बिना है? नॉमिनल, बिल्कुल सही, ठीक है? नॉमिनल, ठीक है, बिल्कुल सही। चलो कंसीडर 10 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क, ठीक है? तो कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है? तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ये सब, ठीक है? ब्रिक 5,000 लगेंगे हमारे, और मोर्टार के वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे हम, 10 क्यूबिक मीटर माइनस 5,000 इंटू 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09, ठीक है? और ये जो आएगा इसको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1.15 से, क्यों, फ्रॉग फिलिंग और एक्स्ट्रा जॉइंट्स जो आते हैं, उसके बाद उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.33 से अगर सीमेंट मोर्टार है तो, ठीक है? बेसिकली यही करना है हमें, ठीक है? तो इसको सबको करके कितना आया था वॉल्यूम हमारा, 3.5, ठीक है? हमारा रेशियो क्या है, 1:6, मतलब 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 6 पार्ट ऑफ सैंड, ठीक है? तो बस सीमेंट का हमारा वॉल्यूम आ गया 3.5 अपॉन 1 + 6.5, और ये इंटू 6 कर देंगे तो हमारा सैंड का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है? तो सीमेंट का वॉल्यूम आ गया, सैंड का वॉल्यूम आ गया, ब्रिक का वॉल्यूम, ब्रिक के नंबर्स आ गए, ठीक है? सीमेंट का वॉल्यूम, सैंड का वॉल्यूम, ब्रिक के नंबर्स। अब बताओ एक सीमेंट बैग में कितना वेट होता है, कितने केजी होते हैं एक सीमेंट बैग में, और उसका वॉल्यूम कितना होता है, बताओ? एक सीमेंट बैग में हमारा 50 केजी होता है कि नहीं, और उसका वॉल्यूम कितना होता है, उसका वॉल्यूम होता है 0.035 क्यूबिक मीटर, है कि नहीं? सबको याद होना चाहिए ये, मैंने आपको डिराइव भी करके दिखाया था, ठीक है? आपका 1440 kg/m³ का आपका डेंसिटी होती है सीमेंट की, और एक बैग में 50 kg होता है, तो उसके हिसाब से उसके वॉल्यूम कितनी आती है, 0.035 m³। हमें कितने सीमेंट बैग, सीमेंट चाहिए एक्चुअली 0.5, तो कितने बैग हो जाएंगे, नंबर ऑफ बैग्स बताओ कितने हो जाएंगे, सब लोग करो कैलकुलेट इसको, नंबर ऑफ बैग कितने हो जाएंगे बताओ, क्या हो जाएगा, 0.5 / 0.035, ठीक है? तो ये आ जाएगा 14.28, तो 0.28 तो कुछ होता नहीं है, तो हम 15 बैग्स के करीब यूज करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए फिर यही था, ठीक है? तो हमारा ब्रेक आ गया 5,000 नंबर्स, ठीक है? देखो आपको सिर्फ ये सब निकालना है, रेट्स जो है ना, रेट्स ऑलरेडी गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है? रेट्स आपका क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होने का है, ठीक है? आपको रेट्स वगैरह याद नहीं रखना कुछ, ठीक है? आपको सिर्फ ये वाले स्टेप्स याद रखने कि यहाँ तक कैसे पहुंचना है, रेट्स क्वेश्चन में गिवन रहेगा, उसके हिसाब से आप निकालेंगे, ठीक है? तो 4800 per 1000 bricks, 4800 per 1000 bricks, ठीक है? यूनिट भी याद रखना है रेट्स का, रेट याद मतलब देखना है क्वेश्चन में ठीक से, तो पर थाउजेंड मतलब 1000 bricks का 4800 लगता है, तो 5,000 कितना लगेगा, 4800 × 5 करेंगे 24,000 आ जाएगा, ठीक है? फिर 3 क्यूबिक मीटर, 3 क्यूबिक मीटर ऑफ सैंड है, सैंड का आपका रेट है 1120 per cubic meter, उस सब का अमाउंट आ गया, ठीक है? इसके बाद हम सीमेंट की बात करेंगे, चलिए तो ये हमारा आ गया था, उसके बाद हम सीमेंट की बात करेंगे, ठीक है? सीमेंट हमारा 0.5 m³ था, उसके हिसाब से 15 bags आ गया था हमारा, रेट क्वेश्चन में गिवन रहेगा और सबका अमाउंट आएगा, ठीक है? फिर लेबर, हेडमेसन, मजदूर, बिस्ती, सनराइज, देखिए कितना लगेगा, ठीक है?
10 मीटर क्यूब के ब्रिक वर्क में कितना हमारा लेबर लगता है, ये हमने बहुत पहले डिस्कस भी किया था, ठीक है, कितना लेबर लगता है, कितना हेड मेसन लगता है, कितने मेसन लगते हैं, ठीक है, तो वो सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमने पहले ही बात की, हमने लेबर रिक्वायरमेंट डिस्कस किया था, ठीक है, तो लेबर रिक्वायरमेंट डिस्कस करते वक्त हमने ब्रिक वर्क का लेबर रिक्वायरमेंट डिस्कस किया था, ठीक है, उसमें हमारा था कि मजदूर हमें 14 लगेंगे, बिजली 2 लगेंगे, एडमिशन हाफ लगेगा, मेसन 8 लगेगा, ठीक है, और इन सब का रोल्स भी आपको पता है, ठीक है, और सनराइज एंड टीएनपी मैंने बताया था क्या होता है, ये बहुत छोटे छोटे काम होते हैं जिनको डिफ्रेंशिएट करना या कैटेगराइज करना बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसलिए हम इनका लमसम लेते हैं सीधा, ठीक है। कितना लमसम लेना है, 600, 500, 1000 रुपए, जितना भी आपके आपको लगता है, मतलब ये नहीं कि 10 लाख रुपए मान लो आप, ठीक है, तकरीबन 1000 रुपए के, 1000 रुपए के आसपास लमसम हम मानते हैं इनका, सनराइज एंड टीएनपी का, ठीक है, ठीक है। तो लमसम वैल्यू मान ली एक, ठीक है, लेबर के रेट्स गिवन रहेंगे आपको, लेबर के रेट्स आपको गिवन रहेंगे, ठीक है, लेबर के रेट्स गिवन रहेंगे, लेबर के नंबर्स जहां तक मेरे को लगता है आपको याद रखना पड़ेगा, फिर भी जब मैं क्वेश्चन पेपर मैं बनाऊंगा तो बता दूंगा आपको पूछ के, ठीक है, बता दूंगा आप लोगों की आपको लेबर के क्वांटिटीज गिवन रहेंगे कि नहीं गिवन रहेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली लेबर के क्वांटिटीज फॉर 1 मीटर क्यूब आपको गिवन रहेगा कि 1 मीटर क्यूब क्वांटिटी के लिए हमें इतना लेबर लगेगा, और क्वेश्चन में कितना मीटर क्यूब होगा उसके हिसाब से आपको उन चीजों को मल्टीप्लाई करना है। देखो नॉर्मल सी बात है, ये 10 मीटर क्यूब की रिक्वायरमेंट है, तो अगर 40 मीटर क्यूब होगा तो आप इन सबको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ गिवन रहेगा कि 10 मीटर क्यूब के लिए हमें इतने लेबर लगेंगे, ठीक है, आप 40 मीटर क्यूब के लिए निकालो, समझ रहे हो ना, तो आपको थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लेबर में हेड मेसन, मेसन मजदूर, बिस्ती, इनके नंबर याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, तो ऐसा ही होगा, ठीक है। चलिए फिर वाटर चार्जेस मैंने बताया था, वाटर जो पानी लगेगा क्योरिंग के लिए, तो 1.5 से 2% होता है वो, तो यहाँ तक पहुंचने के बाद इसमें आप 1% और 1 से 2% और ऐड कर देंगे वाटर के लिए, और फिर मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट भी कुछ होता है, वो 10 से 15% होता है, यहाँ पे नॉर्मली हम 10% ही मानते हैं, 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट आप ऐड करेंगे, उसके बाद आपको टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ब्रिक वर्क समझ में आ गया है सबको कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले हम टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क से को 0.2 × 0.1 × 0.1 से डिवाइड करेंगे, उससे हमारा नंबर ऑफ ब्रिक यूनिट्स आ जाएंगे विद मोर्टार, ठीक है। उससे हम स्टैंडर्ड ब्रिक्स का कितना हमें वॉल्यूम लगेगा उसको हम उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उससे हमारा मोर्टार का वॉल्यूम आएगा, फिर मोर्टार के वॉल्यूम में हम 15% ऐड करेंगे फ्रॉग फिलिंग एंड जॉइंट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हम उसको 1.33 या 1.5 जो भी आपका मोर्टार है उस पर डिपेंड करेगा, उससे मल्टीप्लाई करके हमारा ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा, उसके बाद तो आपको बस रेशियो से डिवाइड करना है, वो तो सब इजी है, ठीक है। चलो ब्रिक वर्क हो गया हमारा, तो ब्रिक वर्क का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हाफ ब्रिक, ठीक है। हाफ ब्रिक क्या होता है, हाफ ब्रिक आपका 10 सेंटीमीटर थिकनेस का होता है, कितने का होता है, 10 सेंटीमीटर थिकनेस का, ठीक है। फुल ब्रिक आपका होता है 20 सेंटीमीटर थिकनेस का, फुल ब्रिक वर्क का जो वॉल होता है वो आपका होता है 20 सेंटीमीटर थिकनेस का, ठीक है। 20 सेंटीमीटर थिकनेस आप मान लीजिए 8 इंच के हिसाब से, 8 इंच या 9 इंच का होता है, ठीक है, और आपका जो हाफ ब्रिक वर्क होता है वो 4 इंच का होता है, ठीक है, वो 4 इंच के ब्रिक वर्क को बोलते हैं, विद 1:4 सीमेंट मोर्टार, यूनिट 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है, यूनिट 1 स्क्वायर मीटर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आप जब आगे जाके पेपर देंगे तो कंपिटेटिव एग्जाम्स में उसमें लिखा होता है कि ब्रिक वर्क को स्क्वायर मीटर में कब करते हैं हम मेजर, ठीक है, तब करते हैं जब वो हाफ ब्रिक वर्क होता है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है, तो हम किस में मेजर करते हैं उसको, स्क्वायर मीटर में, बस ये ध्यान देना था आपको, इसी चीज पे ध्यान देना था यहाँ पे, ठीक है, इसको बस हम मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके थिकनेस से, तो वॉल्यूम आ जाएगी, उसके बाद हम निकाल लेंगे जैसे हम निकालते थे पहले, ठीक है। बस ये 1 जो स्क्वायर मीटर का यूनिट होता है आपका हाफ ब्रिक वर्क में, वही ध्यान देने के लिए मैंने क्वेश्चन कराया था, ठीक है। कंसिडर 100 स्क्वायर मीटर ऑफ ब्रिक वर्क, ठीक है, अब हमने पिछले में कितना क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क लिया था, 10 क्यूबिक मीटर, ठीक है, नहीं तो हमारा कैलकुलेशन वैसा ही रहे, इसलिए हमने कितना स्क्वायर मीटर का ब्रिक वर्क मान लिया, 100 स्क्वायर मीटर का, तो 100 स्क्वायर मीटर को थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यूबिक मीटर, उसकी वॉल्यूम, तो 100 × 10 कितना आ गया, 100 × 0.1 कितना आ गया, 10 क्यूबिक मीटर की वॉल्यूम, ठीक है,
10 क्यूबिक मीटर की वॉल्यूम पिछली बार भी थी हमारी, तो बस कैलकुलेशन वैसी की वैसी ही रहेंगी, कैलकुलेशन वैसी की वैसी ही रहेंगी, ठीक है ना। कैलकुलेशन मटेरियल वैसे की वैसी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क 10 क्यूबिक मीटर आ गया आपका, ठीक है। फिर नंबर ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट कितना लगेगा, सैंड, सब वैसे का वैसे जैसे हमने पहले किया था, ठीक है, बस बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, ठीक है। आपका बस लेबर रिक्वायरमेंट में थोड़ी डिफरेंस आया होगा, ठीक है, लेबर रिक्वायरमेंट्स में आपका डिफरेंस आया होगा। देखो लेबर रिक्वायरमेंट्स में हमारा जब 10 क्यूबिक मीटर का ब्रिक वर्क कर रहे थे जो हमारा फुल विड्थ का था, उसमें हमारे मजदूर लग रहे थे 14, ठीक है। यहाँ पे हमारे मजदूर लग रहे हैं 20, ठीक है, हमारे मजदूर यहाँ पे लग रहे हैं 20, ठीक है। मेसन हमारा उसमें लग रहा था 8, इसमें लग रहा है हमारे हमारे मेसन इसमें लग रहे 13, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ये सब आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, ये सब याद करना मुश्किल है, ठीक है। आपको पर यूनिट बेसिस पे गिवन रहेगा, उसके हिसाब से जितना वॉल्यूम आपका क्वेश्चन में है आप उससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हाफ ब्रिक वर्क का था, और तो कुछ था नहीं, बस ये स्क्वायर मीटर में इसकी मेजरमेंट होती है हाफ ब्रिक वर्क की, वही आपका मेन चीज था यहाँ पे ध्यान रखने का, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे प्लास्टरिंग, ठीक है। तो हमें हमारे पास सिर्फ 6 मिनट्स हैं, मैं फटाफट आपको सेशन 2 का लिंक भेज रहा हूँ पीसी पे, ठीक है, गूगल क्लासरूम पे, फटाफट ज्वाइन कीजिए उसको, ठीक है। चलिए सेशन 2 पे फटाफट, सेशन 2 पे मिलते हैं। चलिए फिर सेशन 2 को हमने सेशन 1 में हमने ब्रेकबुक तक कर लिया था, उसके बाद अब हम करेंगे प्लास्टरिंग पे, ठीक है। प्लास्टरिंग आपका बेसिकली क्या होता है, प्लास्टरिंग आपका जो हम ब्रिक ब्रिक वर्क लगा देते हैं, जो वॉल होती है ब्रिक वर्क की, उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर एडिशनल एक प्लास्टरिंग करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर पूरा एक प्लास्टर बिछाते हैं, ठीक है। ये भी आपका सीमेंट सैंड का ही मिक्सचर होता है, ठीक है, इस पे हम प्लास्टर बिछाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर फिर हम डिस्टेम्पर करके फिर हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं, ठीक है। तो ब्रिक वर्क पे डायरेक्ट व्हाइट वॉशिंग नहीं होती है, सबसे पहले हम डिस्टेम्परिंग उस पे हम प्लास्टरिंग करते हैं, ठीक है। तो उसी का हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, उसी का एनालिसिस ऑफ रेट्स अब हम करेंगे, ठीक है। स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन मटेरियल, सबसे पहले क्या करेंगे, मटेरियल्स कैलकुलेट करेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसके हिसाब से मटेरियल्स कैलकुलेट करेंगे, फिर मटेरियल्स के रेट्स के हिसाब से मटेरियल्स का कॉस्ट निकालेंगे, और फिर लेबर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके रेट्स के हिसाब से लेबर के रेट्स निकालेंगे, ठीक है, और फिर हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा। चलिए फिर तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, 12 mm थिक प्लास्टरिंग इन वॉल, ठीक है, ये इन नहीं होगा, ये ऑन वॉल होगा, क्योंकि हम वॉल के ऊपर करते हैं, फॉर 100 square meter, ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्लास्टरिंग का जो रिक्वायरमेंट आपके पास आएगी कभी भी, ठीक है, उसका जो कैलकुलेशन का यूनिट है वो है स्क्वायर मीटर, ठीक है, क्योंकि थिकनेस इसकी बहुत कम होती है, ठीक है, पर फिर भी हम स्क्वायर मीटर को थिकनेस से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल के उसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करके वैसे ही करेंगे जैसे हम मोर्टार में या ब्रिक वर्क में कर रहे थे कैलकुलेशन, ठीक है। बस मैं ये बता रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट जो होगी प्लास्टरिंग की वो स्क्वायर मीटर में होगी, ठीक है। चलिए तो वॉल्यूम ऑफ वेट मोर्टार रिक्वायर्ड 12 mm थिक है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है, इंटू 100, हमारी 1.2 क्यूबिक मीटर की वेट वॉल्यूम है ही है, क्योंकि हम प्लास्टर भी आपका सीमेंट और सैंड का मिक्सचर है, तो उसको भी हम वेट करके ही मिक्स करेंगे, ठीक है, तो वेट प्लास्टर वॉल्यूम है ये, तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम क्या करेंगे, ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए एट 30% फॉर फिलिंग डिप्रेशन जॉइंट एक्सेट्रा, जैसे हमने मोर्टार में 15% ऐड किया था फ्रॉक फिलिंग जॉइंट्स के लिए और एक्स्ट्रा स्पेसेस के लिए जो बच गए हैं, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी जरूरी नहीं है कि आपका जो मोर्टार का जो ब्रिक वर्क बना है वो बिल्कुल समतल बिल्कुल प्लेन बना हो, ठीक है, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो प्लास्टरिंग अब जब आप उस पर वाइट वॉशिंग करने वाले हो तो आपका दीवार खुरदुरी तो नहीं होती है, ठीक है, ऐसा तो आपका दीवार तो बिल्कुल प्लेन होता है ना, तो प्लेन तो ब्रिक वर्क तो प्लेन होगा नहीं आपका, तो अगर प्लास्टर को प्लेन होना है बिल्कुल, तो ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं हल्का हल्के स्पेसेस बचेंगे ब्रिक वर्क में जहां पे आपका प्लास्टर एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है, तो उसी स्पेसेस को फिल करने के लिए और बिल्कुल समतल लेवल्ड सरफेस बनाने के लिए डिस्टेम्पर के लिए हम लोग
तो हमारी प्लास्टर की रिक्वायरमेंट होती है उसमें 30% और ऐड करते हैं, फिलिंग, डिप्रेशंस, जॉइंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये तो आपका स्टेप है ना, आपका जैसे मोर्टार में हमने 15% ऐड किया था और प्लास्टर में 30% ऐड कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, अगर इसके 2 मार्क्स है तो इस स्टेप के 3 मार्क्स होंगे। ठीक है ना, ये स्टेप आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट एज वेल एज प्रैक्टिकल। ठीक है, चलिए, तो 30%, यहाँ पे 30% है क्योंकि थिकनेस ऑफ प्लास्टर इज लेस। ठीक है, अगर आपका 20 mm से ज्यादा की थिकनेस हो तो ये आपका 20% हो जाता है। ठीक है, 20 to 25। ठीक है, अगर आपको ध्यान, आपको लग रहा है सर ये मुश्किल है ये वाला वैल्यू याद रखना, तो कोई दिक्कत नहीं है, 20% से लेके 30% के बीच में कोई भी वैल्यू आप चला लो। ठीक है, मेरी तरह तो छूट है। ठीक है, बट इन तरह बोर्ड में जाके चेक होता है, तो वहां पे मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वहां पे आपके दूसरे टीचर्स ये मानेंगे कि नहीं, तो इसलिए बेटर है कि आप याद रखो 30% फॉर 12 mm थिकनेस, एंड फॉर मोर देन 12 mm थिकनेस ऑफ प्लास्टर इट इज 20%। ठीक है, अब याद रखना ही है, याद नहीं होता है तो आप 20 से लेके 30 के बीच में कोई भी आप एक वैल्यू मान लो सेकंड स्टेप के लिए। ठीक है, चलिए फिर, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वेट मोर्टार कितना हो गया, 1.2। देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ वेट मोर्टार की बात हो रही है अभी भी। ठीक है ना, तो 1.2 प्लस 1.2 इंटू 0.3, या फिर 1.2 इंटू 1.3 कर दो फटाफट। ठीक है, 1.56 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ पे मोर्टार लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वही है, ये मोर्टार ही है। ठीक है, मोर्टार ही हमारा प्लास्टरिंग के लिए भी यूज होता है। ठीक है, ये भी वही है, सीमेंट और सैंड का मिक्सचर, सीमेंट एंड सैंड का मिक्सचर। ठीक है, बट आपका जो प्लास्टर होता है इसमें आपका सैंड का पार्ट कम होता है और सीमेंट का पार्ट ज्यादा। जैसे अगर 1:6 का मोर्टार आपका ब्रिक वर्क के लिए यूज हुआ है, तो जनरली 1:4 या 1:3 का यूज होता है आपका प्लास्टर के लिए। ठीक है, सेम सेम भी यूज होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर जनरली आपका प्लास्टर में सैंड का पार्ट कम होता है इन कंपैरिजन टू जो हमारा मोर्टार में यूज हुआ था। ठीक है ना, चलिए, और गेटिंग ड्राई वॉल्यूम 25% से बढ़ा दीजिए, 25% से बढ़ा दीजिए। कभी देखो कहीं पर 25 लिखा होता है, कहीं 33 लिखा होता है, आपके ऊपर है। ठीक है, मोर्टार का जनरली 33% ही होता है, यहाँ पर 25 कर रखा है, आपके ऊपर है, 25 कीजिए, 33 कीजिए। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, कहीं 25 वो ये मत पूछना सर यहाँ पर डाउट है मुझे। ठीक है, कहीं 33 यूज करते हैं, कहीं 25 यूज करते हैं, आपके ऊपर है, 25 यूज को 33 यूज करो। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें, पर 50-60 मत यूज कर लेना, 25 और 33 के बीच में ही रहने देना। ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे सीमेंट मोर्टार की बात कर रहे हैं, अगर कुछ भी नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो बाई डिफॉल्ट वो सीमेंट मोर्टार ही है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको लाइम मोर्टार आजकल यूज नहीं होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो बाई डिफॉल्ट इज सीमेंट मोर्टार। ठीक है, बोथ फॉर ब्रिक वर्क एज वेल एज प्लास्टरिंग। ठीक है, तो 1.56 में हमने 1.25 और 1.3 थी, जो भी आपको अच्छा लगे उससे मल्टीप्लाई किया, तो हमारा 2 क्यूबिक मीटर ऑफ प्लास्टर आ गया। किसके लिए, 12 mm थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग फॉर 100 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए हमारा ड्राई मोर्टार का वॉल्यूम आ गया 2 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो बस जो भी हमें रेशियोज गिवन होंगे सीमेंट और सैंड के, उस रेशियोज से इसको डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं सीमेंट का और सैंड का वॉल्यूम, बस यही करना है और कुछ करना नहीं इसमें। ठीक है, अब सीमेंट रिक्वायर्ड, अगर एग्जाम्पल 1:4 सीमेंट सैंड मोर्टार है तो सीमेंट की वॉल्यूम आ जाएगी 2/1+4 और सैंड का 4 × 0.4। ठीक है, तो बस आ गया, कुछ करना ही नहीं इसमें। इसके बाद बस आपको इसके रेट से मल्टीप्लाई करके मटेरियल कॉस्ट निकालनी है, फिर लेबर रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेबर रेट से मल्टीप्लाई करके लेबर के वॉल्यूम निकाल, लेबर का कॉस्ट निकालना है, फिर उसमें वाटर का परसेंटेज और ऐड करके, लमसम वैल्यू ऐड करके और कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट 10% ऐड करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, Therefore, to find the quantity of cement required for 12 mm thickness of cement plaster of any proportion wall, divide 2 by summation of the proportion. ठीक है, वही किया है हमने यहाँ पे। चलिए, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इससे पहले 20 mm थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग। तो यहाँ पर आपका स्टेप टू में आप 20% से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 20% से स्टेप टू, जो हम डिप्रेशन में एक्स्ट्रा जो प्लास्टर यूज हो रहा है, 30% यूज किया था हमने 12 mm थिकनेस में, और इसमें 20% यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि गारंटी नहीं है कि आपका अगर पेपर बाहर जाए चेक होने के लिए, तो वहां पे हो सकता है कि वो
इस बात को लेके आपके मार्क्स काट दे अगर आप सही परसेंटेज यूज ना करें तो। चलिए तो वॉल्यूम में वेट मोटर निकाल लिया पहले, फिर 20%, ठीक है 20%, 20% बिकॉज थिकनेस ऑफ प्लास्टर इज मोर। थिकनेस अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए जितना आपका थिकनेस ज्यादा होगा उतना ही उसके नीचे जो गड्ढे हैं उसका फर्क कम पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम 20% मानते हैं यहाँ पे 30% की जगह, ठीक है। चलिए टोटल वॉल्यूम टू, टोटल वॉल्यूम वेट मोटर, अभी वेट की बात हो रही है, इसके बाद हम ड्राई में कन्वर्ट करेंगे उसको, ठीक है हो गया। फिर सबमिशन से डिवाइड कर देंगे हम, और सबमिशन से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन हमारा है 12 mm थिकनेस ऑफ 1:6 मोर्टार, ठीक है प्लास्टरिंग के लिए यूज कर रहे हैं, यूनिट 1 square meter है, यूनिट 1 square meter, ठीक है यूनिट का हमेशा ध्यान रहे, आपको कभी भी यूनिट अगर रिपोर्ट करनी हो क्वेश्चन पेपर में तो ध्यान रहे, ठीक है। तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं जिसमें हमारा स्क्वायर मीटर का यूनिट यूज हुआ है, एक हाफ ब्रिक वर्क और दूसरा किसमें यूज हुआ है प्लास्टरिंग में, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें आगे आ सकती है, वाइट वॉशिंग, फ्लोरिंग, इनका भी स्क्वायर मीटर में ही होता है। अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी है एनालिसिस ऑफ रेट्स में जिसमें हमारा स्क्वायर मीटर का यूनिट यूज हुआ है। चलिए एप्लीकेशन मटेरियल्स को पता ही है कैसे करना है, ठीक है। 12 mm थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग के लिए हमारा कैसे आया था वॉल्यूम 2 cubic meter सबको पता है, ठीक है। उसको हम इसके समेशन ऑफ रेशियो से डिवाइड कर दिए तो हमारा ये आ गया। फिर सैंड 1:6 है तो 6 parts ऑफ सैंड है फॉर एवरी पार्ट ऑफ सीमेंट, तो 0.28 × 6 सैंड का वॉल्यूम भी आ गया हमारे पास। अभी बताओ हमारा 0.28 सीमेंट चाहिए हमें और एक बैग में 0.035 m³ होता है, तो बताओ कितने बैग लगेंगे हमें, कितने बैग लगेंगे फटाफट बताओ, फटाफट बताओ कितने बैग लगेंगे, कैलकुलेटर लेके बैठो बिल्कुल, ठीक है 8 bags लगेंगे, लगेंगे 8 bags, ठीक है 8 bags लगेंगे हमें। चलिए बिल्कुल राइट आंसर मोहम्मद आसिफ। चलिए तो मटेरियल्स आ गए 0.28 cubic meter, ये 8.4 bags के करीब बोल रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसने शायद बैग्स की वॉल्यूम कम ली होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप 0.035 के हिसाब से मानिए, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, क्या पता इसने 0.035 या 0.033 या 0.032 मान लिया हो, ठीक है, पर हम लोग 0.035 ही मानेंगे। तो 8 bags लगेगा हमारा, रेट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, उससे मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ तक पहुंचना है एक्चुअली, फिर रेट गिवन रहेंगे, रेट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालना है आपको मटीरियल का। चलिए फिर सैंड आता है, ठीक है मैंने यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ तक हम पहुंचे थे, ठीक है ना। तो सैंड 1.71 था, सैंड का रेट गिवन रहेगा, उसके हिसाब से सैंड का सैंड की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपको लेबर पे निकालना है, लेबर आपका मैंने बता दिया है, हेड मेसन, मेसन मजदूर, बिस्ती, ये सब एक्चुअली क्या क्या काम करते हैं, इनका हर क्यूबिक मीटर में या हर 10 cubic meter में कितना रिक्वायरमेंट है वो गिवन रहेगी क्वेश्चन में, उसके हिसाब से क्वेश्चन में कितना क्यूबिक मीटर काम करना है आपको उसके हिसाब से आप लेबर निकालेंगे, ठीक है उनके रेट्स गिवन रहेंगे आपको, ठीक है ये आ जाएगा। फिर आपको सनराइज एंड TNP मैंने बता दिया है क्या होते हैं, छोटे मोटे काम होते हैं ये, तो उनके लिए लमसम हम 500 से लेके 1000 रुपए तक का मानते हैं, इसमें 600 रुपए माना हुआ है लमसम, तो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। वाटर चार्जेस, वाटर चार्जेस किस लिए यूज होता है, एक तो हम लोग तो सीमेंट और सैंड का मिक्सचर बनाएंगे प्लास्टरिंग के लिए, उसमें पानी लगेगा, और फिर प्लास्टरिंग करने के बाद उसकी कोरिंग करते हैं हम, उसमें पानी लगेगा, ठीक है। तो 1.5 से 2% तक का हम वाटर चार्ज मानते हैं, उसके बाद 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हम ऐड करते हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर भी बिना फायदे के काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके बाद ग्रैंड टोटल आ जाता है हमारा, तो बस यही करना था हमें, ठीक है। तो इसमें भी ज्यादा कुछ था नहीं, प्लास्टरिंग में भी, प्लास्टिंग में ऐसे ही था, ठीक है। तो प्लास्टिंग में ही अब 6 mm थिकनेस की प्लास्टिंग हम देखेंगे, ठीक है 6 mm थिकनेस 12 mm थिकनेस से भी ज्यादा कम है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी जो हम डिप्रेशन वगैरह को लेवल करने के लिए हम एक्स्ट्रा प्लास्टरिंग यूज करते थे वो 30% के आसपास ही होगा, ठीक है 30% फिलिंग डिप्रेशन। वॉल्यूम ऑफ वेट मोटर कैसे आ सबको पता है, ठीक है टोटल वॉल्यूम आ गई हमारे पास, और वेट मोटर है तो ड्राई में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ड्राई में कन्वर्ट करने के बाद 1 cubic meter के आसपास आ गया। अब 6 mm थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग जो है कहाँ पे यूज करते हैं, सीलिंग में यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं सीलिंग में, ठीक है जैसे आपकी ब्रिक वर्क की सीलिंग हो गई, समझ लीजिए ब्रिक वर्क का आपका छत है ब्रिक वर्क की, तो उसमें यहाँ पे प्लास्टरिंग करने के लिए ताकि उसके ऊपर हम डिस्टेम्पर करें फिर पेंटिंग करें, ठीक है। तो सीलिंग में हमारा जो थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग होती है वो
कम होती है, इतनी थिकनेस जरूरत नहीं होती है हमारी सीलिंग में, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। टू गेट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट फॉर डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट प्लास्टर फॉर 6 mm थिकनेस सीमेंट प्लास्टरिंग डिवाइड 1 by समेशन ऑफ द प्रोपोर्शन, ठीक है। ये हो गया आपका। तो 6 mm थिकनेस 1:3 का है, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ काफी बार, मेरे ख्याल से ये सारा आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। चलिए तो 1:3 आपका 6 mm थिकनेस की 100 square meter एरिया का प्लास्टरिंग का कितना वॉल्यूम आता है इसको पता ही है, कैसे निकालते हैं, 0.006 इंटू 100, ठीक है, इंटू 1.3 कर दिया डिप्रेशन में ऐड करने के लिए, और उसको उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1.25 से, ठीक है, या 1.3 थी जो भी आपको सही लगे, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करने पे हमारा 1 cubic meter आता है, ठीक है। बस उसी को हम इसके प्रोपोर्शन के सम से डिवाइड कर देंगे, सीमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा, और सीमेंट एक सीमेंट के पार्ट के लिए तीन पार्ट ऑफ सैंड है, तो सैंड का वॉल्यूम आ गया हमारे पास, ठीक है। बस एक सीमेंट बैग में हमारा 0.035 cubic meter होता है, उसके हिसाब से सीमेंट के बैग कितने लगेंगे हमारे वो भी हमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये भाई नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है, आपको बस बेसिकली यहीं तक पहुंचना है, ठीक है। रेट्स गिवन रहेंगे आपको, लेबर रिक्वायरमेंट्स पर क्यूबिक मीटर या पर 10 cubic meter आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, उस हिसाब से आपको चेंज करना है, ठीक है। वाटर चार्जेस ऑन डाटा प्रॉफिट मत भूलना, आपको ऐड करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे फ्लोरिंग, ठीक है। अभी मुझे कोई आइडिया दे सकता है फ्लोरिंग का यूनिट किसमें होगा, फ्लोरिंग का यूनिट को बता सकता है मेरे को, फ्लोरिंग का यूनिट क्या है बताओ, चैट बॉक्स में बताओ फ्लोरिंग का यूनिट क्या है, ठीक है। बिल्कुल सही, सब सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, स्क्वायर मीटर, ठीक है, फ्लोरिंग का आपका यूनिट स्क्वायर मीटर का होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत कम होती है, पर कैलकुलेशन में हम पहले वॉल्यूम में ही कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है। चलिए तो स्टेप फॉर कैलकुलेशन मटेरियल फॉर 25 mm थिकनेस सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर, ठीक है, सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर 25 mm थिकनेस है, 100 square meter एरिया है, तो पहले हम 100 meter square को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 mm से, उससे वॉल्यूम आ जाएगी हमारी, वॉल्यूम आ गई। उसके बाद 10% फॉर अनइवननेस ऑफ बेस कोर्स, ये जो सेकेंड स्टेप है ना, आप देख रहे होंगे मोर्टार में 15-20% ऐड करते हैं, प्लास्टरिंग में भी 20-30% ऐड करते हैं, हम फ्लोरिंग में भी ऐड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इतना ऐड हम, क्योंकि हमें कहीं भी बिल्कुल फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है ब्रिक वर्क का या फिर बेस कोर्स का, हमारा बिल्कुल भी लेवल्ड नहीं होता है, तो इसलिए जितना हम वॉल्यूम हमें चाहिए होता है उससे थोड़ा ज्यादा ही वॉल्यूम हम मानते हैं, कितना ज्यादा मानते हैं ये आपको ध्यान रखना है। मोर्टार में 15-20%, प्लास्टरिंग में 20-30%, और सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर में 10%, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेस कोर्स आप बोल के, सब बेस कोर्स क्या होता है, बेस कोर्स जनरली आपका कोई इम्पर्वियस मटेरियल होता है, कोई भी इम्पर्वियस मटेरियल होता है जिससे कि हमारा वाटर सीपेज ना हो, ठीक है, जैसे ये आपका घर का फ्लोर है, नीचे मिट्टी है, तो यहां से अगर पानी आए ऊपर तो ये फ्लोर को छेद के ऊपर ना आ जाए, उसको रोकने के लिए हमें पहले बेस कोर्स लगाते हैं, ठीक है। अब बेस कोर्स के लिए क्या मटेरियल यूज करते हैं ये आपको खुद रिसर्च करना है गूगल पे, ठीक है, उसके बाद हम इसके ऊपर फ्लोरिंग लगाते हैं, ठीक है, बस यही है बेस कोर्स का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ वेट कॉन्क्रीट 2.5 × 0.1 है ये, 0.1, ठीक है, कुछ नहीं है, 2.5 × 1.1 है, ठीक है। चलिए इंक्रीज बाय 50% फॉर ड्राई वॉल्यूम, 50% आ गया, ठीक है, 25-30% यूज कर लेना, क्योंकि हम कहां पर आ गए हैं, अब हम है सीमेंट कॉन्क्रीट में, कॉन्क्रीट है ये, कॉन्क्रीट, ठीक है, कॉन्क्रीट मतलब तो क्या क्या है, सीमेंट भी है, फाइन एग्रीगेट भी है, कोर्स एग्रीगेट भी है, मोर्टार नहीं है ये, ठीक है, कॉन्क्रीट है ये, तो इसलिए कॉन्क्रीट में जब हम बेड से ड्राई जाते हैं तो कितना ऐड करते हैं, 1.5 टाइम्स हम उसको करते हैं, ठीक है,
बस वही कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो बस हमारा ड्राई वॉल टोटल ड्राई वॉल्यूम आ गया 4.125 क्यूबिक मीटर। तो 25 mm थिकनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट फ्लोर पर 100 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया के लिए ड्राई कंक्रीट का जो हमारा वॉल्यूम है वो 4.125 क्यूबिक मीटर है, ठीक है। उसके हिसाब से जो भी प्रोपोर्शन होगा आपका सीमेंट इज टू फाइन एग्रीगेट इज टू कोर्स एग्रीगेट, उसके सम से हम इसको डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारा सीमेंट सैंड और फाइन एग्रीगेट का, सीमेंट सैंड और कोर्स एग्रीगेट के रिस्पेक्टिव वॉल्यूम्स आ जाएंगे, उनके हम रेट से मल्टीप्लाई करके उनका कॉस्ट निकाल लेंगे। बस यही गिवन है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही फॉर 40 mm थिकनेस कुछ नहीं करना आपको, वही करना है जो हमने ऊपर किया है, ठीक है। सेम चीजें हैं, बस थिकनेस अलग है। चलिए फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 75 mm थिकनेस के लिए क्या होगा? कुछ नहीं, डायरेक्ट मैं डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, क्या किया 100 × 0.075, ठीक है। इनटू क्या होगा, सबसे पहले अनइवननेस, जो हमारी बेस को उसकी अनइवननेस है उसके लिए 1.1 से मल्टीप्लाई किया, शॉर्टकट बता दिया मैंने यहाँ पे, इनटू ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए 1.5, डायरेक्ट आपका आ जाएगा 12.37 क्यूबिक मीटर डायरेक्ट किया जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, ठीक है, बट आपको लिखना है ये सब, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देना है आपको पेपर में, इसका भी एक्सप्लेनेशन देना है आपको पेपर में, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ पे पहुंचना है आपको। चलिए देयरफॉर तो डिफरेंट डिफरेंट आपके प्रोपोर्शंस के हिसाब से, डिफरेंट प्रोपोर्शंस के हिसाब से कितना स्टोन एग्रीगेट, कितना सीमेंट, कितना सैंड लगेगा, वो यहाँ पे लिखा है। स्टोन एग्रीगेट क्या होता है? कोर्स एग्रीगेट। सीमेंट क्या होता है? सीमेंट टू सीमेंट है। और सैंड क्या होता है? फाइन एग्रीगेट, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस के हिसाब से कितने क्वांटिटीज आएंगे यहाँ पर गिवन है। याद नहीं रखना, खुद ही करना है ये सब, ठीक है ना, खुद ही करना है। 12.37 यहाँ पर आया, तो 12.37 डिवाइडेड बाई कितना, 1:4:8 है, तो 1 + 4 + 8 अब करेंगे ये, तो आपका सीमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। ये है, सॉरी, सीमेंट का वॉल्यूम ये है, ठीक है। और बैग कैसे आते हैं आपको पता ही है, एक बैग में 0.035 m³ होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही फ्लोरिंग के लिए, जैसे आपको क्वेश्चन आ गया हमारा 25 mm थिकनेस की फ्लोरिंग है 1:2:4 का, 1 part of cement, 2 part of sand, 4 part of coarse aggregate, ठीक है। एग्रीगेशन मटेरियल, तो सीमेंट आ गया 4.125 को, याद है कैसे आया था? अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, 100 × 0.025, ठीक है, इंटू 1.1 फॉर अनइवननेस, इंटू 1.5 वेट टू ड्राई कन्वर्जन, 4.125 आ गया था, ठीक है। 4.125 m³ ऑफ कॉन्क्रीट, ऑफ ड्राई कॉन्क्रीट फॉर दिस, ठीक है। उसको हम प्रोपोर्शन से डिवाइड करके सीमेंट का वॉल्यूम निकालते हैं, फिर उसको हम इन प्रोपोर्शन के रेशियोस से इंटू करके सैंड और स्टोन एग्रीगेट का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। बस उसके बाद तो क्या, उसके बाद बस नॉर्मल टेबल है, ठीक है। यहाँ तक आपको पहुँचना है, गिवन रहेगा, मल्टीप्लाई करना है, अमाउंट निकालना है, ठीक है। लेबर की रिक्वायरमेंट्स पर 10 क्यूबिक मीटर गिवन रहेगी आपको, उसके हिसाब से आपको ये निकालना है, ठीक है। पर ये बताओ, लेबर की रिक्वायरमेंट फ्लोरिंग में पर क्यूबिक मीटर में गिवन रहेगी कि पर स्क्वायर मीटर में गिवन रहेगी, बताओ। फ्लोरिंग की तो रिक्वायरमेंट है, फ्लोरिंग के जो लेबर की रिक्वायरमेंट है वो किस में गिवन रहेगी, स्क्वायर मीटर में या क्यूबिक मीटर में, बताओ। एक आध आंसर बताओ मुझे कोई, मेरे को पता है लंबा हो रहा है क्लास, इसलिए लोग थोड़े बोर हो रहे हैं। क्यूबिक में नहीं होगा, स्क्वायर मीटर में होगा रजत गुप्ता, ठीक है, स्क्वायर मीटर में होगा, बिल्कुल सही, ठीक है, स्क्वायर मीटर में होगा। तो फ्लोरिंग की पर 10 स्क्वायर मीटर हमारा, हमने पढ़ा था पहले, तो उसके हिसाब से हमारा वही रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। और उसके रेट्स गिवन रहेंगे क्वेश्चन में, तो रिक्वायरमेंट्स को रेट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट आ जाएगा। सनड्राई टीन पे मैंने बता दिया क्या, छोटे मोटे काम है, छुटपुट काम है ये सारे, लमसम में होते हैं, 500 से लेके 600 रुपए के बीच, 500 से लेके 1000 रुपए के बीच में, यहाँ पे 600 मान लिया, ठीक है। फिर पानी मिक्सिंग एंड क्योरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो हमारा एनालिसिस ऑफ रेट्स यहाँ खत्म होता है, ठीक है, हमारा एनालिसिस ऑफ रेट्स का जो यूनिट है वो यहाँ पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कनाल की एस्टिमेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कनाल का एस्टिमेशन। कनाल कुछ नहीं होता आपका, आपका रिवर से लेकर, रिवर से लेके फार्म तक
आपका पानी ठीक से आ जाए उसके लिए हम कनाल यूज करते हैं, ठीक है। ये कनाल होता है, थोड़ा बहुत गूगल कर लेना कनाल क्या होते हैं, उनका हम एस्टिमेशन पढ़ेंगे, ठीक है, उनका हम एस्टिमेशन पढ़ेंगे, ठीक है। कनाल आपका ट्रेपेजॉइडल होता है, आपका कर्व सेमी सर्कुलर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ठीक, और ऐसे जा रहे होते हैं कनाल, ठीक है। और कनाल में क्या जाता है, कनाल में जाता है पानी, ठीक है, कनाल में पानी जाता है, फ्रॉम रिवर टू फार्म, फार्म ठीक है, खेत तक पानी ले जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कनाल यूज करते हैं, ठीक है। तो इन कनाल्स का एस्टिमेशन क्या क्या लगता है, कैसे एस्टिमेशन करते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों की कल क्लास है, एक मैं बता दू, एक मिनट बताता हूँ, आप लोगों की कल क्लास होगी, बता दूंगा वैसे तो मैं पहले बता देता हूँ, आप लोग कल क्लास होगी 1 बजे, ठीक है, आप लोगों की कल क्लास है 1 बजे, आपको कपिल सर पढ़ाएंगे सॉइल 1 बजे तक, उसके बाद मैं 1 बजे से क्लास लूंगा, 1 बजे से नहीं लूंगा, 1:30 बजे से ले लेता हूँ, ठीक है। आप लोग 1 से 1:30 लंच कर सकते हैं, कर लेना, उसके बाद 1:30 बजे हम लोग क्लास करेंगे कल, ठीक है, टाइम टेबल है तो होगा, ठीक है, टाइम टेबल में है इसलिए होगा, 3 से 5 में नहीं ले रहा हूँ, आप लोग तब आराम कीजिएगा आराम से, ठीक है। 9:30 to 11 आप अमित सर की कॉन्क्रीट पढ़िए, 11:30 to 1 आप 1 से 3 इंग्लिश क्लास रहता है, ठीक है, फिर 3 से 5 से करेंगे, फिर कोई तो कोई चारा नहीं है फिर, ठीक है, ठीक है, आप इंग्लिश क्लास कीजिए 1 बजे, हम 3 से 5 से करेंगे फिर यूएसए, ठीक है, यूएसए की क्लास 3 से 5 से होगी फिर। बिट्टू कुमार बोल रहे हैं कि तब इंग्लिश क्लास होती है, तो कोई बात नहीं, आप इंग्लिश कीजिए, तो कल थोड़ा बिजी रहेगा आपका, 9:30 to 4 o'clock तक आपका कल पढ़ाई रहेगी, ठीक है, तो कल तैयार रहना, ठीक है। 9:30 to 11 आपका सीटी होगा, फिर उसके बाद सॉइल होगा, फिर इंग्लिश, फिर हमारा 3 बजे से यूएसए क्लास होगी, ठीक है। चलिए फिर आप करिए, सर्वेइंग क्लास होगी, होने वाली 11:30 से सर्वेइंग क्लास है, तो आप वो कीजिए, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। एक काम कीजिए, 2 मिनट में फटाफट आप अटेंडेंस दे दीजिए, ठीक है, अटेंडेंस स्टार्ट है, अटेंडेंस दे के फटाफट जाइए राजपाल सर की क्लास में, नहीं सुपरवाइजर कॉन्ट्रैक्टर सेम नहीं होता है, सुपरवाइजर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पे ये देखता है कि काम सही से हो रहा है कि नहीं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर आर नॉट द सेम, कभी कभी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर खुद सुपरवाइजर बन जाए, बट जनरली सुपरवाइजर एंड कॉन्ट्रैक्टर आर नॉट द सेम, नाम रोल नंबर, नाम एंड रोल नंबर, बीटीई रोल नंबर, ठीक है, फुल नेम एंड बीटीई रोल नंबर, नॉट क्लास रोल नंबर, फुल नेम एंड बीटीई रोल नंबर लिखो, माला 225 कुछ नहीं होता है, माला कुमारी, आप अपने को रोल नंबर लिखिए, फिर आपके नाम में आपको रोल नंबर है तो वहां से आ जाएगा, बट ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, फुल रोल नंबर लिखना है, मेरे ख्याल से आप लोग लिख चुके हो सब कुछ अपना, ठीक है, तो क्लास को एंड किया जाए फिर, मेरे ख्याल से अटेंडेंस हो चुकी है सबकी, रहता है कोई, रहता तो 1 मिनट और रुक रहा हूं मैं, चलिए फिर क्लास को खत्म करता हूं मैं, मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ चुका है, यूनिट 1 यूनिट 2 खत्म हो चुका है, प्रैक्टिकल जो मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, आंसर्स मैंने आपके सीआर को दे दिया था, ठीक है, अगर किसी को आंसर्स नहीं मिले तो कोई बात नहीं, उसका एक्सेल शीट बनाकर मैं ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, एक्सेल शीट में या पेन से लिख के बना दूंगा, एक्सेल शीट कैसे बनानी है उसका एक सेपरेट क्लास करेंगे हम ऑनलाइन नेक्स्ट वीक ट्यूजडे को या वेंसडे को, उस दिन आराम से बैठ के पूरा मैं एक्सेल समझा दूँ, कैसे एक्सेल में लिखना है आपको, कैसे एक्सेल में कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, हम सब समझा देंगे, कोई चिंता मत करो,
ठीक है, अगले क्लास में यूनिट 3 पढ़ेंगे हम, कल है 3 बजे, ठीक है? तो 3 बजे से सब लोग लंच पंच करके बैठना आराम से, 3 बजे हम करेंगे, ठीक है? चलो क्लास को एंड करते हैं, अटेंडेंस हो चुकी है, यूनिट 2 तक खत्म हो चुका है हमारा। चलिए बाय बाय, क्लास को एंड कर रहे हैं, जाइए राजपाल सर का सर्वेइंग क्लास कीजिए आप।